नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। भीषण गर्मी के चलते बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए योगी सरकार ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने के अलावा बैंकिंग की 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से और लगभग 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। इसी तरह बिंडिंग के जरिए 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर से 33 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ी है। वहीं भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में 1 मई से ई पेंशन पोर्टल शुरू होने जा रहा है। पोर्टल के शुरू होने के बाद रिटायर कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही रिटायरमेंट में 3 दिन के अंदर कर्मियों को उनका पैसा मिल जाएगा। दरअसल इससे पहले रिटायर कर्मचारियों को पेंशन के लिए आए दिन सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बाद भी उनका पैसा समय पर नहीं मिलता था। इस मामले में कर्मचारियों ने कई बार सीएम योगी तक अपनी बात पहुंचाई है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम कसने और रिटायर कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 1 मई को ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,324 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 9.9% कम है। बीते दिन कोविड से 40 मरीजों की मौत हुई है। बता दें कि देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के 1,520 मामले मिले हैं। इसके बाद हरियाणा में 490 मामले, केरल में 337 मामले, उत्तर प्रदेश में 275 और महाराष्ट्र में 155 मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं, जिससे कि 24 घंटे में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव केस 338 के पार हो गए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि बीते दिन 51 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा कोरोना की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार के 3 मंत्री बस्ती मंडल के दौरे पर पहुंचे। इनमें कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी समेत सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी भी शामिल है। ये तमाम नेता पूरे पुलिस और प्रशासनिक अमले को लेकर धरातल पर निरीक्षण करने उतरे हैं। मंत्रियों ने सबसे पहले बांसी कस्बे के मालिन बस्ती के राप्ती नगर वार्ड का निरीक्षण किया, साथ ही एक गांव के चौपाल लगाई, विकास कार्यों की समीक्षा की, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल भी देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की 2014 से जो योजनाएं प्रारंभ की थी, वास्तव में वो धरातल पर पहुंच पा रही हैं, जरूरतमंद को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही। प्रदेश सरकार विकास की जो योजनाएं चला रही हैं, वास्तव में वो जरूरतमंदों को मिल पा रही हैं और उनकी गुणता क्या है, ये सब स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुझे बस्ती मंडल में मुझे माननीय परिवहन राज्य मंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मैडम रजनी तिवारी जी को, तीनों लोगों को भेजा गया है और हम लोग कल पूरे दिन बस्ती में, आज दोपहर तक बस्ती में एक एक प्रमुख स्थलों को जाकर के स्वयं देखे हैं और आज और कल दोपहर तक हम लोग सिद्धार्थनगर जिले के अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। कल हम लोग संत कबीर नगर रहेंगे, ये पूरी प्रक्रिया है और अपनी रिपोर्ट जाकर के मुख्यमंत्री जी को देंगे। जो अच्छे कार्य होंगे उनकी प्रशंसा होगी और जो कहीं कमी पाई जाएगी उसको दुरुस्त करने का और उनमें दोषियों को सजा।
कन्नौज में रिश्वतखोर एंटी करप्शन की विजिलेंस टीम ने एक लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि लेखपाल विवेक पाल तरवा तहसील में तैनात था और एक युवक से जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। युवक की शिकायत के बाद विजिलेंस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में लेखपाल को रिश्वत के 5,000 रुपयों के साथ गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ने लेखपाल के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर चंदौली से है, जहां अघोषित बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं। बता दें, जनपद के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बिजली कटौती को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई न होने देख आक्रोशित लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक चंदौली दौरे पर थे। बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने सीएम से मुलाकात की और प्रपत्र भी सौंपा। इस दौरान बिजली कटौती रोकने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों के समर्थन में जिले के अधिवक्ता भी सामने आ गए और धरने को समर्थन देने लगे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आक्रोशित लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल की जाए। का इस समय बहुत स्थिति खराब है हमारे ज़िले में, खास करके लगभग मान चलिए 24 घंटे में एक घंटे बिजली आ रही है, एकदम त्राहिमाम मचा है। किसानों के आप देखेंगे थ्रेसरिंग नहीं हो पा रही है, सब्जी का सीजन चल रहा है, पानी नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद घर में आप देखे होंगे पानी की इतने किल्लतें हैं, न पंप चल रहे हैं, न मतलब कोई, बहुत स्थिति खराब है। किसान सब्जी लगाए हैं और सब्जियों में बताइए, जब किसान के पास ट्यूबवेल उनके चलेंगे नहीं तो किसानों की जीवा जो भोजन की व्यवस्था है कहाँ से चलेगी। बिजली की समस्या हमारे ज़िले में बहुत तगड़ी चल रही है इस समय। इतनी समस्या है कि 24 घंटे में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी केवल कभी 10 मिनट के लिए, कभी 15 मिनट के लिए आ रही है। अभी हमारे यहाँ ये बच्चों की परीक्षाएँ चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएँ चल रही हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। खेती में कुछ गर्मी की खेती हम लोग करते हैं, किसानों का धान का कटोरा माना जाता है चंदौली को, उसमें जो भी सिंचाई की जरूरत हो रही है वो पूर्ति नहीं हो पा रही, फसलें सूख रही हैं गर्मी। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां शनिवार को 12 वर्ष पूर्व हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले में विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकंड सुनीता शर्मा ने अभियुक्तों को हत्याकांड का दोषी मानते हुए 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ 19,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इन अभियुक्तों में 2 अभियुक्तों की उम्र 60 वर्ष से अधिक है। सजा के ऐलान के बाद पीड़ित परिवार के परिजनों ने 12 साल बाद राहत की सांस ली है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में युवती की करंट लगने से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक ईद के त्योहार की तैयारियां चल रही थी और घर की पुताई का काम चल रहा था, वहीं युवती भी साफ सफाई के काम में जुटी हुई थी। इसी दौरान लोहे की पाइप में हाई टेंशन करंट उतरा था और करंट फैल गया, जिसकी चपेट में युवती भी आ गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पता नहीं, हम रोड से निकले थे, पता लगा एकदम कोई लेडीज को वहाँ तार वार कोई कपड़ा वपड़ा डल रहा था, उस पर से उन्होंने उतारा। कोई बता रहे थे कि वो लोहे का कोई था, उससे कपड़ा उतारने लगी, वो लाइन ही ऊपर 11,000 वोल्टेज उसमें टच हुआ और वो मैं वो लेकर हॉस्पिटल लेके गई, पता लगा वो डेथ हो गया। लगभग ये तो कन्फर्म हम नहीं कह सकते, सुन रहा जो सुनने में आया कि 20-22 के लगभग होगी, 20-22 जो भी साल होगी। हाँ, पुलिस भी आई है, हमने देखा था, हमने इतने देखा था, पुलिस भी आई है। अलीगढ़ पुलिस कस्टडी में अधेड़ की मौत का मामला सामने आया है, जहां चंडौस थाने के कस्बा का ये मामला बताया जा रहा है। 2 भाइयों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस अधेड़ को हिरासत में थाने ले जा रही थी, तभी रास्ते में अधेड़ व्यक्ति ने पुलिस की गाड़ी में दम तोड़ दिया, जिसके बाद थाने पर परिजन और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि मृतक के पुत्र ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है, जहां मौत के बाद मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना चंडौस के जमुका गांव की एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें वहां रहने वाले एक सगीर जो कि लगभग 55 वर्ष के हैं, इनके दो बेटे हैं जिनकी शादी बुलंदशहर की जमीना और रेशमा से हुई है, और इनका कोई आपसी पति पत्नी का विवाद बताया गया, जिसमें जो इनके ससुराल वाले थे वो बुलंदशहर से आज यहाँ आए थे। यह भी बताया गया कि आपस में कोई झगड़ा या मनमुटाव के चलते सूचना पर वहाँ पर स्थानीय पुलिस गई थी, और उसके बाद जो है सगीर जो है इनकी हालत बिगड़ी है और इनको CSC ले जाया गया था, जहाँ पर इनको मृत घोषित किया गया है। इसमें जो मौके पर जो अधिकारी हैं, क्षेत्राधिकारी और SP City, इनको वहाँ पर पड़ताल के लिए भेजा गया है कि पूरा घटनाक्रम को स्पष्ट कर लें। इसमें UP 112 के इवेंट्स को भी देखने के लिए कहा गया है, साथ ही वहाँ पर जो CCTV आदि होंगे, जिससे पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो जाए। उपरोक्त में जो भी वैधानिक प्रक्रिया है उसका। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।